हेलो डियर गाइस, गुड मॉर्निंग। द ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश वेलकम्स यू। दिस इज ओमकार सिंह। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, प्रीपोजिशंस। दैट मे बी asked TGT exam, PGT exams, NDA exams, railways exam, TET, super TET exams, or we can say class 10th, 12th and BA etc. आपको बता दें कि जितने भी हमारे चाहे सेंटर से रिलेटेड हों चाहे स्टेट से रिलेटेड एग्जाम्स हों, जिनमें अगर अंग्रेजी पूछी जाएगी तो निश्चित रूप से प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये काफ़ी वाइड हैं और क्लिष्ट भी माना जाता है। तो आपकी सुविधा के लिए आपको बहुत कम दिमाग लगाने पर आसानी से समझ आने वाला चैप्टर हमने MCQs वेस्ट ये चैप्टर रखा है। डियर गाइस, लगभग इसके मेरी समझ से 20 पार्ट मिलेंगे आपके लिए। प्रत्येक पार्ट एक से एक महत्वपूर्ण होगा। MCQs वेस्ट आपको ये चैप्टर मिलेगा, उसमें हम रूल्स भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से हम इसका अवलोकन करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और हम कहना चाहेंगे कि जो TGT, PGT या किसी भी एग्जाम्स, हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकता है जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट आए, और इंग्लिश आए तो प्रीपोजिशन ना पूछा जाए ऐसा बहुत ही कम देखने को मिला है। 4 से 5 सेंटेंस या 4 से 5 क्वेश्चंस निश्चित रूप से इससे पूछे जाते हैं। डू लेबर एंड वेट, मेहनत करना सीखिए, इंतजार करना सीखिए। इंतजार का फल बहुत ही मीठा है। हमेशा प्रसन्न रहिए, अच्छी मेहनत करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसा भी एग्जाम सही, डरे नहीं, डर के आगे जीत। अगर आप डरना तो अच्छी बात है, लेकिन डर के रह नहीं जाए, डर करके इतनी मेहनत करिए कि डर आपका दूर हो जाए और आप विजयी हो जाए। यू गेट विक्ट्री एंड यू विल बी नोन एज विक्टोरियस पर्सन। तो आइए, वी आर रेडी टू डिस्कस अबाउट प्रीपोजिशंस। लेट्स बिगिन टूडेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। The okay miracle of English। डियर गाइस, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल दी ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश आपके लिए फ्री निःशुल्क वीडियो प्रोवाइड करता है। ये जो हमारा चैनल है TGT PGT इंग्लिश, सभी प्रकार के वीडियोस आप तक पहुंचाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा है, इसका पार्ट 2 आज हम लेंगे। 21 MCQs वेस्ट ऑन प्रीपोजिशन ग्रामर पार्ट 2। सभी प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं TGT, PGT आदि, NDA, रेलवेज, ये सभी इसमें से क्वेश्चन मिलते हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, इट वाज यू एंड मी। इसमें ब्लैंक को पूरा करना है हमें। चार ऑप्शन आपके सामने हैं,
जब दो की बात की जाए तो दो के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हेयर, डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। इसमें देखिए स्टूडेंट्स कोई संख्या निश्चित नहीं दी है, तो दो से जब अधिक होते हैं हमारे तो वहां अमाउंट का यूज करते हैं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स अमोंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। दो के लिए बिटवीन और दो से अधिक के लिए अमोंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनिका वाज एब्सेंट द मीटिंग यस्टरडे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो एब्सेंट के साथ फ्रॉम का यूज होता है, सी इज करेक्ट आंसर, मोनिका वाज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग यस्टरडे। हमने और भी शब्द दो लिए हैं, एक्रिंग एलिनेटेड, एक्रिंग का मतलब जमा होने वाला किसी भी चीज में, और एलिनेटेड का मतलब पार्टी से हटाना, तो इनके साथ भी हमें फ्रॉम का यूज करना है। ये लिस्ट जो भी आपको दी जाए इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, और इसे याद करने की या बार बार रिपीट करने की आपकी कोशिश रहनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन इसके है, दे वर्क अकॉर्डिंग हिज एडवाइस। अकॉर्डिंग के बाद स्पेस दिया हुआ है, चार ऑप्शन में से सही को छांटना है हमें, तो अकॉर्डिंग के साथ डियर गाइस टू का यूज होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ये हमारे निश्चित शब्द होते हैं उनके साथ निश्चित प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज हियर, दे शुड अडेप्ट देमसेल्व्स, स्पेस दिया है द प्रॉब्लम्स। अब देखिए इसमें अडेप्ट वर्ब का यूज हुआ है, चार ऑप्शन में से सही का यूज करना है आपको, सही विकल्प छांट करके, तो यस यहां पर टू आएगा, एडॉप्ट के साथ टू का यूज होता है, ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, एडॉप्ट वर्ब के साथ टू का यूज होता है। एक लिस्ट हमने दी हुई है, इसको एक बार देख लेते हैं, अलॉट एक्सीड एल्यूड अपोलोडाइज अपॉइंट एब्सेंट अटेन अटेंड ऑब्जेक्ट ऑकर प्रिफर रेफर यील्ड बिलोंग कंड्यूस लीड और लिसन। ये और भी ETCM लिख दिया है, और भी ढेर सारे शब्द हो सकते हैं, इनके साथ हमें क्या लगाना है, टू का यूज करना है। पुनः बोलना है, इस जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है इसके ढेर सारे हमने अन्य विकल्प दिए हैं कि अगर इन वर्ब्स का यूज होता है तो इनके साथ हमें क्या लगाना है, टू का यूज करना है, प्रीपोजिशन टू आएगा। इस लिस्ट को भी आप अपने मेमोरी में डाल लीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ इज हियर, माई फ्रेंड वाज अफ्रेड कैट्स, ब्लैंक दिया है, तो यस अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, माई फ्रेंड वाज अफ्रेड ऑफ कैट्स। आपकी सुविधा के लिए हमने एक बड़ी लिस्ट फिर दी है, इस पर भी फोकस कर लेते हैं। अक्यूज्ड अफ्रेड यहां पर किसके रूप में हुआ है, एजेक्ट के रूप में हुआ है। जब वर्ब एजेक्ट के रूप में या पार्टिसिपल्स के रूप में यूज होती हैं तो वहां पर ऑफ का यूज करेंगे। ये खास वर्ब्स हमने दी हैं, एग्जैक्ट फॉर्म दिया है इनका, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, जैसे एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ आएगा, अप्राइज्ड एज्योर्ड अवेयर सर्टेन कंपोज्ड कॉन्फिडेंट
फॉन्ड, गिल्टी, इग्नोरेंट, इनफॉर्म्ड, लेविस, प्राउड के साथ भी ऑफ आता है, सिक, वाइट, वेरी, वर्दी और डाई, ये सभी हमारे जो लिस्ट दी है इसे आप वीडियो पॉज करके ध्यान से सुने और लिख भी सकते हैं। आदि शब्द जब एडजेक्टिव पार्टिसिपल के रूप में यूज होते हैं तो इनके साथ हमें क्या लगाना, केवल ऑफ, केवल प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना है, ये आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हिज टीचर एग्रीड हिज प्रपोजल, चार ऑप्शन दिए हैं, यस एग्रीड के साथ टू लगाएंगे, कब लगाएंगे टू, जब प्रपोजल प्रस्ताव की बात की जाए तो वहां पर टू आता है, उसके टीचर उसके प्रस्ताव से सहमत थे तो वहां पर एग्री टू का यूज होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेम दूसरी भी हमारी वर्ब यूज हुई है, सी वॉज एग्री, ब्लैंक दिया है, फिर मी, अब इसमें विद का यूज होगा, जब व्यक्ति की बात की जाए तो एग्री के साथ विद आता है और प्रपोजल या प्रस्ताव की बात की जाए तो टू आता है, दोनों का डिफरेंस आपको समझना है। व्यक्ति के साथ क्योंकि मी ये व्यक्ति है, पर्सन है, तो इसलिए विद यूज होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ भी ऑप्शन सी है लेकिन यहाँ पर टू यूज होगा क्योंकि यहाँ पर प्रपोजल है, प्रपोजल के लिए हम टू का यूज करते हैं और व्यक्ति के साथ एग्री का यूज करेंगे तो विद आएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मीना वाज एंग्री हर हस्बैंड, यहां भी लगभग फंडा एक जैसा ही है, एग्री वाला ही, तो एंग्री मतलब नाराज होना, अगर व्यक्ति के लिए आए तो विद का यूज करेंगे तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, मीना वाज एंग्री विद हर हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेम पोजिशन में है, आई एम एंग्री योर बिहेवियर, जब बिहेवियर की बात आए, वस्तु की बात आए तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, क्या लगाएंगे गाइस, एट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, व्यक्ति हो तो विद और वस्तु या बिहेवियर की बात आए तो वहां पर हम एट का यूज करेंगे। इनके अंतर को आपको समझना है, अगर आप अंतर को समझ गए तो आपको ज्यादा कठिनाई सामने आने वाली नहीं है, कोई चीज टफ या सरल नहीं होती है, बस हम कहना चाहेंगे निश्चित रूप से आप प्रिपोजिशन में अच्छा करेंगे अगर इस वीडियो को, हमारी वीडियोस को जो भी पार्ट्स आपको मिले कम से कम एक वीडियो को दो से तीन बार देखें तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में ये सेट हो जाएंगे और आप बिल्कुल भूल नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th दिया है, हिज फादर इज एजम्ड हिज बिहेवियर, एजम्ड जो वर्ब है इसके साथ ऑफ का यूज होता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, हिज फादर इज एजम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। यस क्वेश्चन नंबर 12th, राधा इज बिजी हर वर्क, तो देखिए यहां पर बिजी है और बिजी के साथ विद का यूज करेंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, राधा इज बिजी विद हर वर्क, बिजी के साथ क्या लगाना, विद का यूज होता है। और भी हमने बड़ी लिस्ट दी है, इसको ध्यान से दें, ये सभी वर्ड्स जो दिए हैं इनके साथ हमें क्या लगाना, विद लगाना होता है, एफ्लिक्टेड, विसेट, कंप्लेंट, डिलाइटेड, डेल्यूज्ड, डिसगस्टेड, गस्टेड, एंडोर्ड, ये काफ़ी आता है वर्ड एंडोर्ड, इन्फेक्टेड, इंटीमेट, रिप्लेट, सेटिएटेड इत्यादि, ये सभी जो लिस्ट हमने दी है इन वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन विद का यूज किया जाएगा, इन्हें नोट डाउन कर लें आप। 13 क्वेश्चन, दे बोस्ट हिज नॉलेज, चार ऑप्शन दिए हैं, यस बोस्ट के साथ ऑफ का यूज होता है तो ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा, बोस्ट के साथ क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, माई पेरेंट्स डू नॉट केयर,
मी, चार ऑप्शन दिए हैं। देखिए यहाँ पर केयर का यूज है जो वर्ब के रूप में है, क्या है गाइस, ये वर्ब है, वी हम मार्क कर देते हैं, तो वर्ब के साथ फॉर का यूज करते हैं। माय पेरेंट्स डू नॉट केयर फॉर मी, मेरे माता पिता मेरे प्रति कोई चिंतित नहीं करते, चिंता नहीं करते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। सेम वर्ड आगे दिया है, वी मस्ट टेक केयर आवर हेल्थ। अब यहाँ पर केयर ये नाउन के रूप में यूज हुआ है, क्या है ये, नाउन है, तो जब नाउन के रूप में यूज होगा तो हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, जब वर्ब का के रूप में केयर का यूज हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे, और जब नाउन के रूप में केयर का यूज हो तो डियर गाइस ऑफ का यूज करेंगे। 16th क्वेश्चन इज हियर, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी माई सक्सेस, चार ऑप्शन दिए आपके सामने, यस कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ या कॉन्ग्रेचुलेट बधाई देने के रूप में ऑन का यूज करेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड जो वर्ब है इसके साथ क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। देयर इज नो क्योर कैंसर, क्योर के बाद स्पेस दिया है, चार ऑप्शन हैं, क्योर के साथ क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, देयर इज नो क्योर ऑफ कैंसर, क्योर का मतलब इलाज या उपचार। ही डील्स सिल्क गुड्स, देखिए डील्स वर्ब है, इसके साथ अगर बात की जाए बिजनेस या व्यापार की तो हमें इन लगाना होता है, तो यहाँ बिजनेस की बात है, सिल्क गुड्स हैं, सिल्क के सामान हैं, तो यहाँ पर बिजनेस के पर्पज से यूज हुआ है डील्स, तो इसका मतलब यहाँ पर इनका यूज होगा, जब बिजनेस के पर्पज से यूज हुआ हो तो डील्स के साथ क्या लगाते हैं, हम इन लगाते हैं। इसी पोजिशन में दूसरा सेंटेंस हमने लिया है, इट इज ए प्लेजर टू डील हिम, अब यहाँ भी डील ये बिजनेस पर्पज से नहीं है बल्कि ये बिहेवियर या वर्ताव के रूप में है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विद का यूज करेंगे, क्या लगाएंगे गाइस, विद, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, विद लगाएंगे, जब व्यवहार की वर्ताव की बात की जाए तो विद लगाएंगे, और बिजनेस पर्पज से डील वर्ब का यूज किया जाए तो वहाँ क्या लगाएंगे, इन दोनों में फर्क समझ लीजिए, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। दे हैव नो डिज़ायर वर्ल्डली थिंग्स, तो डिजायर के साथ फॉर का यूज होता है, ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दे हैव नो डिजायर फॉर वर्ल्डली थिंग्स। और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, आज के पार्ट का, वी शुड डिवोट आवर सेल्फ स्पेस दिया है, आवर स्टडी सीरियसली, हमें अपने स्टडी के प्रति भक्तिभाव गंभीरतापूर्वक लेना है, पूरी तरह ध्यान मग्न होना चाहिए, तो यहाँ पर जो डिवोट वर्ब है इसके साथ टू लगाते हैं, ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, निश्चित मेहनत करते रहिए, आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे, हमारी दुआएं, हमारा आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, कोई मन में घबराहट ना करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। थैंक्स फॉर लाइकिंग और वॉचिंग इस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मन को प्रसन्न रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।